सो हम किसके शाजिया, हम आपके एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं, शाजिया के एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। शाजिया की जिंदगी में जिंदगी भर कितना वजन रहा? मैं एक जो कहते हैं ना ओबीज बेबी थी, शुरू से ही एक पैदा होते फैट जो था मेरी जिंदगी का हिस्सा था, हिस्सा है और शायद हिस्सा रहेगा। हाँ। जिंदगी भर ये रहेगा मेरे साथ। और जब मैंने अपने आप को शुरू से ही जब भी देखती थी तो गुगलू गुगलू और मोटी ताजी पैदा भी जो हुई उनका अम्मी के भी ये देख सकते हैं आप। अभी शाजिया की पिक्चर है जो ऑन एयर हम दिखा रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज शाजिया का ड्रास्टिक चेंज है। और ये ड्रास्टिक चेंज ये कैसे लाई है ये देखिए, ये सारी पिक्चर्स देखें, क्योंकि शाजिया का ये रूप शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब शाजिया मुख्तलिफ ड्रामों में आपको नजर आती है, लेकिन ये इसका मतलब वेट से लड़ना मुश्किल काम नहीं। अगर यहाँ बैठी शख्सियत आपके सामने ये कर सकती है तो आप भी लड़ सकती हैं अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। जी शाजिया, शुरू करते हैं आपकी जर्नी। जी शाजिया इमोशनल हो चुकी। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना वेट गिराना बहुत तकलीफ भी कभी कभी आपको दे देता है। आप जो होते हैं आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल हो जाता है कि हर चीज को अवॉइड करना, हर चीज से कितने जी हम नहीं खा रहे। आप आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग आपको करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ दे हद तक आपको विल पावर अपनी स्ट्रांग करनी पड़ती है। लेकिन मैंने जब आपने क्या क्या सुना शाजिया, ये मतलब लाइक होता है ना जब एक वजन ज्यादा होता है आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। वजन सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं इसी फील्ड में थी और मैं मोटापे में ही काम कर रही थी, लेकिन आप ये देखें किस कदर मजाक उड़ाया जाता है, किस कदर आपको आपके टैलेंट को तो देखा नहीं जाता, लेकिन ये कि जितने भी माफ कर दे कोई बात जितने भी को आर्टिस्ट होते हैं वो आपको खुद एक मजाक बना रहे होते हैं। हाँ। आपका अगर उनकी बातचीत में नहीं होता तो उनकी नजरों में होता है कि दिख जाता है वो। हाँ। और हमारे शोबिज में ये चीज मैंने नोट की है कि जो एक मोटी औरत है उसको एक मिजाह का एक एलिमेंट बना दिया जाता है कि वो कॉमेडी ही कर सकती है। हाँ। ये कॉमेडी के अलावा कुछ कर नहीं सकती। लेकिन मैं शायद लकी थी कि मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे रोल मिले, जब मैं इतनी मोटी थी तब भी बहुत ड्रामेटिक और बहुत ज्यादा सीरियस रोल मिले मुझे। लेकिन मैं उस वक्त भी आंखें नहीं खुली थी। कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मुझे जो अपना वजन, इनसे पूछे इनको खुद से प्यार कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट, ये बात लव बहुत। मैं आपको बताती हूँ कि पहले मुझे अपने आप से नफरत हो गई कि मैंने अपने आप को शीशे में देखना छोड़ दिया था। शादी यहाँ से शुरू करते हैं, ये वेट बढ़ा कैसे था? वेट बढ़ा इस तरह बच्चों से, के बाद नहीं कह रही है ना, बच्चों के बाद भी नहीं बढ़ा शुरू से। जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मुझे अपने आप से प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। मैंने अपना वेट फिर कम से कम 15 kg मैंने कम किया। मेरी जो हड्डियों का भी बोन का वेट भी बहुत ज्यादा है, तो मैं अगर बहुत मैं 68 पे मैं बिल्कुल ऐसी लगना शुरू हो गई, क्योंकि आपका बॉडी 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 हाइट से आते हैं। इस वक्त मैं 78 से 77 की हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि मैं इतनी नहीं हूँ, मैं कम, लेकिन मैं खुद हैरान हो गई थी कि मैं कैसे लग सकती हूँ, हाइट बहुत ज्यादा है, बिग फ्रेम है आपका। तो बेटे के बाद भी मैंने अपना वेट कम कर लिया था, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसी कुछ कंडीशंस आई, कुछ प्रॉब्लम्स आए। मेरा मैंने अपना एक सलून खोला था, उसमें थोड़ा सा मुझे डिजास्टर फील फेस करना पड़ा। हाँ। जिसकी वजह से मैंने क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद कर लिया। मेरी सबसे फेवरेट चीज है चाय। हाँ। मैं कुछ नहीं खाती पीती थी, बस दरवाजा बंद करके टीवी देखती रहती थी और चाय पीती रहती थी। हाँ। चाय पीती रहती थी। जाहिर बात है जब आपके बॉडी में एक ही चीज एक ही तरह का फूड आपके तो वो जा रहा होता है तो वो स्टोर करना शुरू कर देता है बॉडी को। और 6 महीने के अंदर जब मैंने अपने एक रूम का दरवाजा खोला था तो मैं ऐसी हो चुकी थी, दुबली हो गई थी, नहीं मोटी हो चुकी थी, इतनी मोटी कुछ नहीं खाया और सिर्फ चाय से मोटी हुई। चाय पीना और यहाँ चाय है, यहाँ जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन से मोटी हुई थी आपको, असल में डिप्रेशन ने सुझाया था, मोटी नहीं हुई थी, आप फूल गई थी, फूल गई। डिप्रेशन से ये होता है कि आपकी बॉडी के जो एंडोर्फिन लेवल होते हैं, हैप्पी हार्मोन, वो खत्म होते हैं, टेक्निकली लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आगे और बताएं। फिर उसके बाद
काम तो मैं कर ही रही थी, कि काम करती थी कोई, आपको पता है कि किस टाइप की हमारी टाइमिंग्स होती हैं, 10 से 10 की टाइमिंग होती है, उसके अंदर आपको एक्सरसाइज का कुछ मौका नहीं मिलता, फिर आपका घर है, हर चीज है, मैं और सबसे बड़ी बात है शूट का खाना, खाने ने मुझे सुझा दिया था, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हैं आप हर चीज खा रहे होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, उन 6 महीने के बाद जब आपने इतना, तो मैं 110 केजी हो चुकी थी। ओह, फिर क्या किया आपने, फिर नेक्स्ट स्टेप किया, ये कब आया आपके दिल में? नेक्स्ट स्टेप तब आया जब अलार्मिंग सिचुएशन तब आई जब मेरे नीज में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू, क्योंकि मेरा बॉडी वेट, मेरी टांगे जो थी या मेरे जो घुटने थे वो उठा नहीं पा रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, अब कुछ। फिर उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, सर में दर्द बहुत ज्यादा, बैक में पेन, इवन मेरी उंगलियों के पोर्स में पेन होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा आपका विटामिन डी लेवल बिल्कुल खत्म, बिल्कुल लो हो गया होगा, आपका कैल्शियम खत्म हो गया होगा, इसलिए सब चीजें, मतलब ओवरऑल, मतलब टोटली मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मैं सिर्फ काम कर रही थी ऊपर से। तो क्या ऐसी चीज थी जो आपके दिल को ट्रिगर की कि नहीं शाजिया चल प्यार करूंगी अपने आप से, कम करूंगी अपने आप को? मैंने अपने आप को शीशे में देखा और देखती रही काफी देर तक, अपने आप से बातें करती रही। कभी कभी अपने आप से बातें करना बहुत अच्छा होता है, लोग आपको ये समझेंगे कि आप पागल हैं, लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले शीशे में देख के अपने आप से बातें करनी चाहिए, अपने आप को। हम दूसरों के अंदर से कीड़े निकाल रहे होते हैं ना कि यार तुम तो इतनी नहीं है, ऐसी लग रही हो, तुम तो मोटी लग रही हो, तुम तो दुबली लग रही हो, क्या पता वो बिचारी किस सिचुएशन से गुजर रही हो। तो पहले दूसरों को के क्रिटिक्स बनने से पहले अपने आप के क्रिटिक्स बने आप, कि मैंने शीशे में देखा अपने आप को, और फिर मैंने वाकई शीशा देखना बहुत जरूरी होता है, मैंने अपना शीशा देखना बंद कर दिया था, अपना मिरर से को देखती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने आप से नफरत होना शुरू हो गई। मैं लूज कपड़े पहनना शुरू हो गई थी कि भाई यार इसको अवॉइड करो, जितना ये बढ़ सकता है इसको बढ़ने दो। फिर जब मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई, मेरा फिर मुझे ट्रिगर हुआ कि यार। तो आप किसी के पास गई? जी, मैं डॉक्टर के पास गई, डाइटिशियन के पास, के पास गई थी मैं। यहाँ पे है नेशनल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जी, वहाँ पे मैं डॉक्टर साइमा रशीद के पास गई। अच्छा। उनके पास के मैं क्या कर सकती हूँ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज खा जाऊं, और खास तौर पे चाय बिस्किट। ओहो, मैदा और शुगर जहाँ मिलता है आपकी बॉडी में एक एडिक्शन पैदा कर देता है, एक बिस्किट दो से तीन आपका एंड अप होगा। तो मैंने उनको बता दिया था कि ये मेरी कमजोरी है, और तो उन्होंने कहा ठीक है, इसी के हिसाब से हम इसको डील करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको चाय बिस्किट खाने का शौक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आप एक काम करें कि आप अपना जो कैलोरी काउंट करें, और उसके बाद जो अगर ये चाय बिस्किट की इतनी कैलोरी है ना, तो फिर इतना खाना छोड़ेंगी आप। बिल्कुल ऐसे ही। आप इतना खाना छोड़ें, ताकि ये है कि वो कैलोरी आपको जितनी आपकी बॉडी को चाहिए वो काउंट होके आप अभी ऐसे हो करती हैं? जी, ऐसा ही करती हूँ। अभी पता है ये कैलोरी काउंट बड़ा आसान हो गया, गूगल पे डालेंगी ना, बिल्कुल हर चीज की कैलोरी आपके पास आ जाती है। मैं ऐसा करती हूँ अपने साथ, घड़ी घड़ी मैं हर किसी को तो नहीं फोन कर सकती, सो जब मुझे कुछ ऐसा होता है तो मैं कैलोरी काउंट करती हूँ। अच्छा, चले, ये आ गई मेरे। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।